का मेरे नए ब्लॉग के अंदर से। दोस्तों अभी हम आए हैं श्री साईनाथ मंदिर हिंगोली दोस्तों, जो कि गौड़ीपुरा के अंदर आता है, रिसाला बाजार दोस्तों। रिसाला बाजार के अंदर स्थित ये श्री साईनाथ महाराज जी का मंदिर है दोस्तों, जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो ब्लॉग के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हिट कर लेना और दोस्तों एक लाइक करना दोस्तों वीडियो को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अभी और आपको सारा चीज़ दिखाएंगे। श्री साईनाथ मंदिर रिसाला बाजार गौड़ीपुरा दोस्तों, वहाँ के श्री साईनाथ मंदिर के दर्शन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सो गाइस अभी हम मंदिर के अंदर है बिल्कुल, और जस्ट दोस्तों आपको दिखाने जा रहे हैं श्री साईनाथ मंदिर दोस्तों रिसाला बाजार में से। देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर बना हुआ है दोस्तों, श्रद्धा एंड सबोरी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं दोनों तरफ से। और दोस्तों इस तरह से है सामने का व्यू, और पूरा दोस्तों मंदिर देख सकते हैं आप चारों तरफ से, मैं आपको दिखा रहे हैं मंदिर किस तरह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये है श्री साईनाथ मंदिर रिसाला बाज़ार दोस्तों हिंगोली में से, जो कि सबसे टॉप 10 में दोस्तों एक श्री साईनाथ मंदिर भी आता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं, आपको नज़दीक से दिखाऊंगा दोस्तों वीडियो का, तो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं श्री साईनाथ मंदिर दोस्तों हिंगोली, ठीक है, किस तरह से व्यू है देख सकते हैं आप। वाओ बहुत ही लाजवाब दोस्तों, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर बना है दोस्तों श्री साईनाथ जी का। सो गाइस मंदिर है ये श्री साईनाथ मंदिर, तो देख सकते हैं ये है मंदिर का अंदर का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। गाइस मैं आपको सारा चीज़ सारा घुमा घूम के दिखाऊंगा अभी, ठीक है। मंदिर के एकदम दोस्तों यहाँ पे पालकी रखी हुई है श्री साईनाथ मंदिर का, ठीक है, पालकी है दोस्तों, छोटा सा पालकी है। और इस साइड में दोस्तों अभी मैं मंदिर के बिल्कुल पीछे के साइड में हूँ, और यहाँ पे दोस्तों श्री नित्यानंद दोस्तों यहाँ पे देखिए श्री योगी श्री साई नित्यानंद सदगुरुए नमः दोस्तों, यहाँ पे गुरु जी थे सिद्ध योगी थे, सिद्ध योगी होके गए दोस्तों, उनका यहाँ पे तस्वीर लगा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है यहाँ पे श्री साईनाथ मंदिर का कुछ झलकिया दोस्तों आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करूँगा आपको ये पसंद आएंगे, और आप लोग कभी हिंगोली आए तो मंदिर को ज़रूर विजिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, और गाइस इस मंदिर के बिल्कुल सामने दोस्तों उस साइड में, अभी मैं मंदिर के बाहर जाऊँगा और बाहर से दोस्तों उस साइड में जाएंगे, और वहाँ पर मंदिर के बिल्कुल सामने एक श्री महादेव जी का मंदिर बना हुआ है, उनका नाम है दोस्तों चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, तो मैं आपको दिखाऊँगा अभी वो भी, तो लास्ट तक देखिए वीडियो को, ठीक है। गाइस यहाँ पे बना है श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, जो बिल्कुल साईनाथ मंदिर के सामने है, ठीक है। तो आप कभी आए साईनाथ मंदिर तो आप लोग विजिट कर सकते हैं श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, ये रिसाला बाजार के अंदर, ठीक है, आप लोग आ सकते हैं। गाइस ये है श्री साईनाथ मंदिर बिल्कुल सामने का भी फ्रंट व्यू आपको आउटडोर दोस्तों, ठीक है, जो कि मंदिर के बिल्कुल बाहर में, और यहाँ पे श्री गणपति बाबा बैठे हैं, यहाँ पे गणपति बापा बैठे हैं दोस्तों। और ये सामने का व्यू श्री चंद्रेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बिल्कुल मंदिर के सामने बना हुआ है, ठीक है। ये है बाहर का रिसाला बाजार, और यहाँ पे कुछ दोस्तों इस तरह से माहौल है, सामने आप देख सकते हो घर वगैरह बने हैं बाहर में, ठीक है, ये सारा चीज़। सो गाइस नज़दीक में, सो गाइस नज़दीक में साईनाथ मंदिर के नज़दीक में दोस्तों ये विठ्ठल रुक्मिणी माता का मंदिर था, तो हम इस मंदिर की ओर आए हैं, तो आपको दिखा रहे अभी यहाँ का व्यू किस तरह से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मंदिर में एंट्री करने के बाद पता चला कि यहाँ पे श्री गणेश बप्पा भी बैठे हुए हैं, गणपति जी बनता है, और ये बच्चों ने बिठाया दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये बच्चे लोग देख सकते हैं आप, ये इन्होंने आई कर हाँ। तो दोस्तों ये कभी आओ तो मिले, तो गाइज मैंने अभी आपको दिखाया आज के वीडियो के अंदर एक साईनाथ मंदिर का आपको दर्शन कराया दोस्तों, साईनाथ मंदिर जो अपने हिंगोली में रिसाला बाजार के अंदर जो स्थित है दोस्तों, उसका भी मैंने आपको दिखाया। और दूसरा दोस्तों ये यहाँ पे छोटा था, जो कि विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर दोस्तों बिल्कुल साईनाथ मंदिर के जस्ट थोड़ा सा कुछ दूरी के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये दो मंदिर मैंने आपको आज इस ब्लॉग के अंदर दिखाया, तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा, और ऐसे ही ब्लॉग के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल पे नए हो दोस्तों, वीडियो को देख रहे हैं नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक भी कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।